भारतीय जनता पार्टी का आवासीय जिला प्रशिक्षण शिविर जिला अध्यक्ष श्रवण कुमार वर्मा की अध्यक्षता में शहर के प्रधान कॉम्प्लेक्स में प्रारंभ हुआ। प्रशिक्षण शिविर का शुभारंभ भारत माता पंडित दीनदयाल उपाध्याय एवं श्यामा प्रसाद मुखर्जी के छाया चित्रों पर दीप प्रज्वलन एवं माल्यार्पण कर किया गया। इस शिविर के शुभारंभ के मौके पर प्रदेश कार्य समिति सदस्य विशंबर दयाल शर्मा, जिला प्रभारी लोकेश चतुर्वेदी, नेता प्रतिपक्ष नगर परिषद कुक्कू शर्मा, संयोजक जिला प्रशिक्षण शिविर पंडित हरिनिवास शर्मा सहित बड़ी संख्या में बीजेपी के कार्यकर्ता और पदाधिकारी मौजूद रहे। जिला अध्यक्ष श्रवण कुमार वर्मा ने बताया कि यह प्रशिक्षण शिविर पूर्णतः आवासीय रहेगा। प्रशिक्षण शिविर में कुल 15 सत्र रहेंगे। उद्घाटन सत्र के बाद प्रमुख 3 सत्र रहेंगे, जिसमें प्रथम सत्र में भाजपा का इतिहास एवं विकास, हमारा विचार परिवार व व्यक्तित्व विकास प्रमुख है। प्रत्येक सत्र में अलग अलग विषय पर अलग अलग वक्ता अपने पाठ्य प्रदान करेंगे। अध्यक्ष वर्मा ने बताया कि प्रशिक्षण के दौरान पार्टी नेताओं को व्यक्तित्व विकास, सोशल मीडिया की समझ, कार्य पद्धति एवं संगठन संरचना में भूमिका समेत अन्य कई बिंदुओं की जानकारी प्रदान की जाएगी। शंबरदयाल शर्मा ने कहा कि भाजपा लगातार विभिन्न कार्यक्रमों एवं प्रशिक्षण के माध्यम से अपने कार्यकर्ताओं व पदाधिकारियों को राष्ट्र निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए समय समय पर प्रशिक्षित करती है। प्रशिक्षण शिविर के अवसर पर पूर्व विधायक जिला महामंत्री सुखराम कोहली, जिला महामंत्री सत्येंद्र पारासर, पूर्व नेता प्रतिपक्ष जितेंद्र सिंह राजौरिया, प्रशांत सिंह परमार, जिला उपाध्यक्ष कमल पहाड़िया, श्रीमती दया दुबे, राम प्रसाद बघेला, विनय परमार, जितेंद्र तिवारी, नंदकिशोर शुक्ला, ब्रजमोहन शर्मा, हरेंद्र सिंह राव, ऋतिक वर्मा, पूर्व मीडिया प्रभारी विजय त्यागी, जिला अध्यक्ष महिला मोर्चा पल्लवी गर्ग गोस्वामी, मधुसूदन शर्मा, रामकिशोर शर्मा, भैरव सिंह परमार, प्रेम नारायण सोनी, मदन कोहली, अमर सिंह लोधा, मनोज शर्मा, मुकेश हनुमानपुरा, महेंद्र दुबे, सोनू त्रिवेदी, पूर्व अल्पसंख्यक जिला अध्यक्ष शकीर खान, रण सिंह परमार, रमाशंकर शर्मा, आरबी सिंह, जिला अध्यक्ष युवा मोर्चा भूपेन्द्र गुरैया, राहुल जाट, वीर सिंह, राम लखन, अनिल धारिया, संजय पारासा, संदीप सिंह, अनीस खान, कल्पना शर्मा, गिरिराज सिंह, इमरान कुरैसी, देवेंद्र शर्मा सहित बड़ी संख्या में पार्टी कार्यकर्ता और पदाधिकारी मौजूद रहे। धौलपुर के बाड़ी रोड पर चांदपुर गांव के पास एक ट्रैक्टर ने बाइक सवार युवक को टक्कर मार दी। घायल युवक ने आज ग्वालियर में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। प्राप्त जानकारी के अनुसार मध्य प्रदेश के पदावली गाँव का रहने वाला युवक सुरेंद्र सिंह चिकरवार बुधवार को अपने साले के बेटे की बर्थडे पार्टी में शामिल होने के लिए बाइक से बाड़ी जा रहा था। वह जैसे ही चांदपुर गांव के पास पहुंचा, एक ट्रैक्टर ने उसकी बाइक को जोरदार टक्कर मार दी, जिससे सुरेंद्र गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल को धौलपुर के ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया, लेकिन उसकी गंभीर हालत को देखते हुए उसे बाहर के लिए रेफर कर दिया गया। परिजनों ने उसे ग्वालियर अस्पताल में भर्ती कराया, जहां आज इलाज के दौरान युवक सुरेंद्र की मौत हो गई। परिजनों ने सदर थाने में ट्रैक्टर चालक के खिलाफ मामला दर्ज कराया है। बाड़ी में खाद की किल्लत से परेशान किसानों ने सरमथुरा रोड जाम कर दिया। प्रशासन की लाख कोशिशों के बावजूद आज भी यूरिया खाद ब्लैक में धड़ल्ले से बेचा जा रहा है। सरकार द्वारा निर्धारित मूल्य पर खाद देने वाले डीलर दोपहर 12 बजे तक अपनी दुकान पर नहीं पहुंचे, जहां सुबह से किसानों की लंबी कतारें लगी हुई थी। लंबे इंतजार के बाद किसानों का सब्र का बांध टूट गया और प्रताप स्टेडियम बड़ी फील्ड के सामने मुख्य सड़क पर जाम लगा दिया और वाहनों की आवाजाही को रोक दिया। किसानों के मामले में कृषि विभाग और स्थानीय प्रशासन नाकारा साबित हो रहा है, जो लगातार हो रही खाद की कालाबाजारी को नहीं रोक पा रहे हैं। एक तरफ मौसम की मार, दूसरी ओर खाद मिलने में दिक्कत, तीसरी ओर कालाबाजारी, इन सबसे किसान खुद को ठगा और असहाय महसूस कर रहा है। पंजाब में किसान विभिन्न मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। उन्होंने रेल लाइनों को जाम कर दिया है, जिसके चलते लगभग 250 ट्रेनें प्रभावित हुई हैं। कई ट्रेनों को कैंसिल कर दिया गया है तो कई ट्रेनों को आंदोलन स्थलों से पहले ही रोक दिया गया है। धौलपुर से भी गुजरने वाली अप और डाउन मालवा एक्सप्रेस को कैंसिल कर दिया गया है। इंदौर से चलकर जम्मू तवी की ओर जाने वाली मालवा एक्सप्रेस और जम्मू तवी से चलकर इंदौर की ओर जाने वाली मालवा एक्सप्रेस को आंदोलन को देखते हुए रद्द कर दिया गया है। अखिल भारतीय अग्रवाल सम्मेलन के तहत कुलदेवी मां लक्ष्मी का अग्रवा धाम में मंदिर निर्माण के लिए अग्रवाल समाज के द्वारा निकाली जा रही महालक्ष्मी जन आशीर्वाद यात्रा के सैंपू कस्बे में पहुंचने पर अग्रवाल समाज के द्वारा भव्य स्वागत किया गया। जन आशीर्वाद यात्रा कस्बे के धौलपुर मार्ग से बाड़ी मार्ग और बसेड़ी मार्ग होते हुए भरतपुर मार्ग पहुंची। बसेड़ी मार्ग पर अग्रवाल समाज के युवा अध्यक्ष सुनील गर्ग, नगला रायजीत,
भरतपुर मार्ग पर रामकुमार मित्तल, धौलपुर मार्ग पर ग्रीस गर्ग ईट भट्टा वाले, शिव शंकर गर्ग, राजू दिनेश मामा और बाड़ी मार्ग पर रिंकू गर्ग के द्वारा शोभा यात्रा का स्वागत किया गया। शोभा यात्रा में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष प्रकाश चंद गोयल, पूर्वी राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष ग्रीस गर्ग, जिला कार्यकारिणी के वरिष्ठ उपाध्यक्ष ऋषि गर्ग, यात्रा सह संयोजक नरेश बंसाल, प्रदेश युवा उपाध्यक्ष राजेश कुमार गर्ग, प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य मनोज अग्रवाल, स्थानीय अध्यक्ष कुंज बिहारी गर्ग, स्थानीय महामंत्री सुनील मोदी, अजय सिंगल, मोनू मोदी, हरिओम मोदी आदि उपस्थित रहे। आशीर्वाद यात्रा 18 प्रांतों में 18 रथों के द्वारा प्रारंभ हो रही है और ये हमारा जो रथ है वो धौलपुर से पूर्वी राजस्थान का धौलपुर से स्टार्ट होकर पूरे राजस्थान में जाएगा, जो एक साल बाद सभी 18 रथ अग्रवा में मानसवी वरदान दिवस पर एकत्र होंगे और वहां से समापन होगा। सरमथुरा में वन विभाग की टीम ने कार्रवाई करते हुए अवैध खनन में लगे एक ट्रैक्टर कंप्रेसर को जब्त किया है। वन अधिकारी अमर सिंह मीणा ने बताया कि रिजौनी वनखंड के हीरामन डाणा में अवैध खनन की सूचना मिली थी। सूचना पर पहुंची वन विभाग की टीम ने एक ट्रैक्टर कंप्रेसर को अवैध खनन करते हुए पाया। टीम को देखकर ट्रैक्टर का ड्राइवर भाग गया। वन विभाग की टीम ने कंप्रेसर ट्रैक्टर को जब्त कर लिया है। बसेड़ी के राजकीय महाविद्यालय में NSS का शिविर आयोजित हो रहा है। आज कोरोना वैक्सीनेशन टीम ने महाविद्यालय पहुंचकर 30 विद्यार्थियों को कोरोना वैक्सीन के टीके लगाए, साथ ही उपस्थित विद्यार्थियों को कोरोना के टीका के फायदे की जानकारी भी दी। छात्रों से अपने आसपास के लोगों को टीकाकरण के लिए प्रेरित करने का आह्वान किया। राजकीय कन्या महाविद्यालय धौलपुर में चल रहे 7 दिवसीय विशेष NSS शिविर के अंतर्गत जिला परिवहन अधिकारी मनोज कुमार वर्मा के निर्देशन में सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा विषय पर सेमिनार का आयोजन किया गया। इस अवसर पर उपस्थित बालिकाओं को संबोधित करते हुए परिवहन निरीक्षक धीर सिंह मीणा ने कहा कि सड़क सुरक्षा के जो भी नियम है वह व्यक्ति की स्वयं की सुरक्षा के लिए है, इसलिए हमें यातायात के नियमों को अपने जीवन में धारण कर उनकी पालना करनी चाहिए। उन्होंने बालिकाओं से कहा कि जिन बालिकाओं की उम्र 18 वर्ष की हो चुकी है वह परिवहन विभाग में किसी भी कार्य दिवस में आकर अपना लाइसेंस बनवा सकती है। कार्यक्रम में अतिथियों का स्वागत करते हुए कन्ना महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर MK सिंह ने कहा कि आज के विद्यार्थी कल के सुयोग्य नागरिक होते हैं, इसलिए विद्यार्थी जीवन में जो कुछ सीखा जाता है वह उम्र भर काम आता है, इसलिए सभी बालिकाओं को अभी से ही यातायात नियमों की पालना को अपने जीवन में स्थापित करना चाहिए। कार्यक्रम का संचालन करते हुए NSS प्रभारी डॉक्टर देवेंद्र सिंह परमार ने बताया कि 7 दिवसीय विशेष शिविर के अंतर्गत प्रतिदिन बौद्धिक सत्र के अंतर्गत समसामयिक विषय पर सत्र का आयोजन किया जाता है, जिसमें बालिकाओं को प्रतिदिन विषय विशेषज्ञों के माध्यम से जानकारी उपलब्ध कराई जा रही है। धौलपुर में खाद्य पदार्थों में मिलावटखोरों के खिलाफ एक महाअभियान चलाने की तैयारी की जा रही है। इसी अभियान की समीक्षा को लेकर खाद्य विभाग के अधिकारियों के साथ जिला कलेक्टर राकेश कुमार जायसवाल ने एक बैठक की। उन्होंने अधिकारियों से अभियान के दौरान अधिक से अधिक सैंपल लेने और मिलावटखोरों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए। जिला कलेक्टर ने बताया कि अभियान के दौरान खाद्य पदार्थों की मिलावट करने वालों की सटीक सूचना देने वाले को ₹51,000 का नगद पुरस्कार दिया जाएगा, साथ ही सूचना देने वाले की पहचान गुप्त रखी जाएगी। अभियान के दौरान इन पर रहेगा अधिक फोकस। दूध, मावा, पनीर व अन्य दूध उत्पाद, आटा, बेसन, खाद्य तेल, घी, सूखे मेवे, मसाले, बांट एवं माप आदि की जांच की जाएगी, ताकि मिलावट और नापतौल में गड़बड़ी को रोका जा सके। इस अवसर पर उपखंड अधिकारी भारती भारद्वाज, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक बचन सिंह मीणा, अतिरिक्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी चेतना मीणा सहित संबंधित विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे। हल्ला बोल जन सरोकार मंच द्वारा 25 दिसंबर 2021 को मटकुट धाम पर श्री कृष्णा सर्किट मुहिम को लेकर की जाने वाली सार्वजनिक विचार संगोष्ठी की तैयारियों को लेकर कोर्ट परिसर ऑफिस में एक बैठक का आयोजन किया गया। मंच प्रमुख एडवोकेट प्रमोद शर्मा ने बताया कि अपने मटकुट धाम को श्री कृष्णा सर्किट में शामिल करवाने के लिए जो मुहिम शुरू की गई है उसमें धौलपुर के सभी नागरिकों, राजनीतिक, गैर राजनीतिक, धार्मिक व सामाजिक संगठनों का भरपूर सहयोग व समर्थन मिला है, जिसके फलस्वरूप इस मुहिम की आवाज विधानसभा से लेकर संसद तक गूंजी है। केंद्र सरकार ने भी धौलपुर को धार्मिक पर्यटन का महत्वपूर्ण स्थान माना है। प्रदेश दर्शन योजना के तहत धौलपुर के विभिन्न धार्मिक स्थलों के विकास के लिए आर्थिक मदद भी मिल रही है, लेकिन हमारा उद्देश्य धौलपुर को श्री कृष्णा सर्किट में जुड़वाना है, जिससे धौलपुर और धौलपुर के सभी धार्मिक स्थलों को विश्व स्तर पर पहचान मिल सके और पर्यटन के लिए यहाँ के द्वार खुल सके। इसी मुहिम को गति देने के लिए 25 दिसंबर को 12 बजे लाडली जगमोहन मंदिर पर विचार संगोष्ठी का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें धौलपुर के सभी लोगों से शामिल होने की अपील की जा रही है। हल्ला बोल जन सरोकार मंच ने समस्त धौलपुर वासियों से
निवेदन और आग्रह किया है कि 25 दिसंबर को 12 बजे मच्छुण धाम पर पहुंचकर इस मुहिम को अपना समर्थन दें। बैठक में अशोक सिकरवार, लोकेश राजपूत, प्रमोद पटवारी, ब्रजमोहन दीक्षित, मंच के कई लोग शामिल रहे। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सम्मान समारोह कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए जिला कलेक्टर राकेश कुमार जायसवाल ने कहा कि कोरोना काल में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की अहम भूमिका को निभाते हुए घर घर सर्वे एवं मेडिकल किट वितरण करने में अपने परिवार एवं बच्चों की परवाह न करते हुए सरकार द्वारा दी गई जिम्मेदारी का निर्वहन किया। उन्होंने कहा कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ता आशा सहयोगिनी एवं ANM ग्राम स्तर की सबसे महत्वपूर्ण इकाई है। विभिन्न सरकारी कार्यक्रम में उनका योगदान निस्संदेह महत्वपूर्ण है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने घोषणा की थी कि कोरोना काल में किसी भी कर्मचारी की मौत होती है तो उसे 50 लाख रुपए की सहायता राशि उपलब्ध कराई जाएगी। इसी के तहत आंगनवाड़ी केंद्र चंद्रावली की आंगनवाड़ी कार्यकर्ता श्रीमती ममता शर्मा पत्नी केदार शर्मा का कोरोना काल में ड्यूटी के दौरान निधन हो गया था। आज सरकार द्वारा प्रेषित किए गए प्रस्ताव के तहत 50 लाख की राशि स्वीकृत कर परिवार को आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए स्वर्गीय श्रीमती ममता के पति केदार शर्मा को 50 लाख रुपए का चेक प्रदान किया गया। इस अवसर पर उपखंड अधिकारी भारती भारद्वाज, उप निदेशक महिला बाल विकास विभाग भूपेश गर्ग, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता संघ की महिला महामंत्री सरिता बंसल सहित सभी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता एवं पदाधिकारी मौजूद रहे। संभागीय आयुक्त PC बेरवाल ने जिला रसद एवं कोष कार्यालय का आकस्मिक निरीक्षण किया। उन्होंने कोष कार्यालय के निरीक्षण के दौरान कार्यालय की विभिन्न शाखाओं की कार्य प्रणाली की जानकारी हासिल की। उन्होंने सामाजिक सुरक्षा पेंशन प्रकोष्ठ, स्ट्रॉन्ग रूम, रोकड़पाल एवं संस्थापन पेंशन एवं मिल शाखा, कनिष्ठ लेखाकार विभाग का निरीक्षण किया। उन्होंने कोषाधिकारी को निर्देश देते हुए कहा कि पेंशन धारियों की पेंशन के संबंध में किसी प्रकार की परेशानी नहीं हो। उन्होंने जिला रसद अधिकारी कार्यालय का निरीक्षण कर जिला रसद अधिकारी से सार्वजनिक वितरण प्रणाली के बारे में जानकारी ली।